So, one and again, very good morning, everyone. And the chapter which we are discussing is exercise 15.1. As much as you think, that much this chapter will be difficult. Otherwise, this chapter is very easy and very interesting also, and very practical. Practical means this use of this will be in higher classes is very high. And this type of questions will be there in your next class 6, 7 and 8 up to 9 even, okay, 9, 10 also. So, especially up to question number 2, 1 and 2, there is no problem. 3, I would like to recapitulate once again in short. Length is given, breadth is given, area you have to find out, and you have to find out ki how much tile it will be required to cover the whole floor. First, we will convert meter into centimeter, length and breadth both. After then, we know the formula to find out the area of a room or area of a rectangle or area of a square, whatever. So, after finding the area, just we need to divide the total area by the area of a single tile. So, single tile ka area diya hua hai 400 centimeter square. एंड हम लोग ने जो रूम का एरिया है वो भी निकाला है, लेंथ इनटू ब्रेथ करके डिवाइड कर दिया है, तो टोटल टाइल कितना लगेगा निकल गया है. क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी इजी बिकॉज द होल एरिया इज गिवन, लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इज गिवन, एंड द एरिया ऑफ ईच वट एवर द ऑब्जेक्ट वी वॉन्ट टू कीप ऑन दैट, that area also given, so length and breadth is given. So just we have divided the total length and breadth, I mean total area divided by the area of the one object, and after then, after cancelling out whatever the answer coming, that is the number of object we can keep on that particular area. Okay, after then question number 5, if we are talking about, this is slightly different. So let us see exercise 15.1, क्वेश्चन नंबर 5. 3 एंड 4 में अभी भी अगर किसी को डाउट है, आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन. अच्छा लगेगा, फिर से मैं उसको और अच्छे से समझाने का कोशिश करूंगा. तो अगर किसी को अभी भी क्वेश्चन 3 एंड 4 में डाउट है तो आप मैसेज में बोल सकते हो फ्रॉम एक्सरसाइज 15.1. जस्ट राइट इफ यू हैव क्वेश्चन नंबर 4 ईसा. ओके सी ईसा, अगर मान लो ये बुक है मेरा, ठीक है, और ये बुक में हमको इस तरह से डस्टर रखना है, इस तरह से. तो कितने डस्टर आएगा अगर हम आपको जो बुक का एरिया है वो बता देते हैं और एक डस्टर का एरिया बता देते हैं, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना डस्टर इसमें आएगा. उसी तरह से कैसे फाइंड आउट करोगे, जस्ट हमको चेक करना है टोटल एरिया कितना है, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है. तो मान लो इसका लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है, ये हमारा बुक है, और इसका लेंथ इनटू ब्रेथ दिया हुआ है. लेंथ इनटू ब्रेथ मींस दिस मल्टीप्लाई दिस. अगर सपोज इसको आप मेजर करोगे कितना होगा, ये 30x20 हो सकता है. सो सपोज 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर इज गिवन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बुक. And suppose the length and breadth of the duster is also given, that is suppose 10 centimeter multiply 5 centimeter. तो duster का जो area है वो length है 10 centimeter और breadth है 5 centimeter, और जो book का area है वो length है 30 centimeter and breadth है 20 centimeter. तो आपको अब ये निकालना है कि कितने duster इसके ऊपर हम लोग मतलब इसमें रख सकते हैं, ठीक है. So, क्या करेंगे हम लोग, जस्ट डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ वन डस्टर. तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे, तो अगर मल्टीप्लाई करने के बाद भी डिवाइड करते हो तो सेम आएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले भी डिवाइड करते हो तो सेम आएगा. तो पहले ही कर लेते हैं हम, यहां पे 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 20 शो 4 सेंटीमीटर, शो यहां पे सेंटीमीटर सारा कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यूनिट का कोई सीन ही नहीं रहेगा यहां पे, कितने काउंट है तो काउंट में यूनिट नहीं आएगा. So, यहां पे हमारा ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ओनली 3 एंड 4 इज लेफ्ट. सो 3 मल्टीप्लाई 4, तो हम लोग ने जो मेजरमेंट लिया है
उसके हिसाब से जो आएगा डस्टर 12 डस्टर हम लोग का इस पर्टिकुलर एरिया में आएगा इस पर्टिकुलर मेजरमेंट का, ठीक है। ये हो सकता है इसका हम लोग ने एग्जैक्ट काउंट नहीं की, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं लिया, इसलिए इसका अलग भी हो सकता है, बट एज पर द मेजरमेंट एग्जाम्पल्स विच वी हैव टेकन, इसका जो टोटल एरिया है इतना है और एक डस्टर का एरिया अगर इतना है तो 12 डस्टर जो है हम लोग का उस पर्टिकुलर एरिया में आएगा। तो उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी है, एक पूरा जो एरिया है वो दिया हुआ है और एक पर्टिकुलर चीज का एरिया दिया हुआ है और आपको डिवाइड करके निकालना है कि कितना ऑब्जेक्ट उसमें आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन वही है कि हाउ मेनी स्टैम्प्स मेजरिंग दिस मच कैन बी फिट इन ए शीट ऑफ पेपर ऑफ दिस मच, पेपर का साइज दिया हुआ है तो पेपर का जो एरिया है दैट divided by the area of a particular stamp, okay? So by dividing that you can find out how much it will be required. Isa, do you understood this? Video is not coming. My video is not coming. What about the rest of all? मेरा video नहीं आ रही है क्या? बाकी सर, मेरा video वीडियो कैसे नहीं आ रही है? नेटवर्क इज हेयर, ओके लेट मी चेक, ओके मनन इज सेइंग वीडियो आ रहा है, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ ऑल, आप एक बार अपना नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक कर लें, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग इट इज कमिंग। Harshit, is it coming? Audio and video both? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विद्या सर, उनका नेटवर्क कनेक्शन खराब है। युवराज is coming, okay. So once you come to the in a place wherever the network is there, जहां भी नेटवर्क है आप नेटवर्क प्लेस पे आ जाइए, जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है प्लीज, बिकॉज फ्रॉम माई साइड आई कैन सी देर इज नो एनी प्रॉब्लम, तो स्टिल नॉट कमिंग। ईसा, do you understood this or not? See, I am not using headphones, so आप जो भी लिखते हो जो भी बोलते हो please write in message. Okay, okay, Prince आ रहा है, so ये understand this one, understood question number 4 समझ में आ गया, 5 हम लोग discuss करते हैं, 5 भी बहुत easy है, आपको पहले क्वेश्चन समझना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ट्रेवलिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ए ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 रुपीज, तो एक ग्राउंड है उसको लेवल करना है, मतलब उसको तैयार करना है मान लीजिए कुछ कल्टीवेशंस करने के लिए, सो द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर स्क्वायर मीटर इज 2 रुपीज, then the ground is this much of long and this much of wide. एक इस तरह से ground है, suppose this is our school ground, और इसको मान लीजिए level करना है, मतलब अच्छे से बनाना है field को ताकि हम लोग का उसमें अच्छे से खेलने के लिए हो, और इसका length and breadth is given, length is given 100 meter and breadth is given 60 meter, and this is a rectangular shape field because length is more than the breadth. And it is saying if you want to level this per square meter, एक square meter के लिए 2 रुपया का खर्चा आएगा, तो total ये area को prepare करने के लिए how much it will be cost? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, area of the field निकालेंगे, जितना area निकलेगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो एरिया निकलेगा वो स्क्वायर सेंटीमीटर में ही निकलेगा, स्क्वायर मीटर में अगर दिया हुआ है तो स्क्वायर मीटर में निकलेगा, और पर स्क्वायर मीटर का प्राइस दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो एरिया आएगा। तो सभी को पता है एरिया कैसे निकालना है, सो क्विकली फाइंड आउट व्हाट विल बी द एरिया
ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड. जल्दी से सभी बताइए ये एरिया कितना होगा इस फील्ड का. हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है, सब कुछ डिस्कस किया है. शो आई वुड रिक्वेस्ट टू विद्या, प्लीज कम इन टू ए नेटवर्क प्लेस. एक नेटवर्क प्लेस में आ जाओ क्योंकि रेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आर गेटिंग. आई गॉट द आंसर फ्रॉम मनन अग्रवाल. एनी वन एल्स वॉन्ट टू आंसर दिस? वॉट विल बी द एरिया? फर्स्ट आई एम टेलिंग द एरिया ओनली, सो यू नो नीड टू फाइंड द कॉस्ट. सो पहले हमें एरिया बताना है कितना होगा. आई एम नॉट टेलिंग द कॉस्ट हाउ मच इट विल बी, बिकॉज कॉस्ट को हमको एरिया से मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगा. सो हाउ मच विल बी द एरिया कमिंग? सो दैट यू जस्ट टेल मी फर्स्ट. सो एरिया कितना आएगा ये देखना है. सो हम लोग ने पढ़ा है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्योंकि ग्राउंड है सो हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि एरिया ऑफ द ग्राउंड, एरिया ऑफ द ग्राउंड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ. तो लेंथ हमारा 100 मीटर है मल्टीप्लाई 60 मीटर है. तो यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, इस पे ध्यान दीजिएगा सभी. यहाँ पे मीटर और मीटर 2 मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो जब भी हम लोग 100 से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम होता है, और 2 डिजिट एंड 1 डिजिट 3 डिजिट. सो ये 6000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया. एरिया जो आया ये 6000 मीटर स्क्वायर आया, ठीक है. तो व्हेन आई आस्क टू फाइंड आउट द एरिया देन यस एग्जैक्टली मुस्कान, सो एरिया विल बी 6000 मीटर स्क्वायर ओनली, ठीक है. After then we can find out the cost. उसके बाद हम लोग cost निकाल सकते हैं. तो cost निकालने के लिए मैंने बताया कि एक square, एक meter square का price 2 रुपया करके दिया हुआ है. तो 6000 meter square का price क्या होगा? 6000 into 2 rupees, right? So यहाँ पे ध्यान देने वाला ये बात है कि जब meter square है, जब हम लोग उसको rupees में convert कर रहे हैं, then unit will be changed to rupees. So let us clean up the फिगर एंड राइट हियर. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये हमारा पहला स्टेप है एरिया निकालना है, जो कि हम लोग ने निकाल लिया और एरिया हमारा जो आया 6000 आया. अभी हम लोग जो है कॉस्ट निकालेंगे. सो देयर फोर कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग will be equal to 2 rupees for 1 meter square. So for 6000 meter square it will be 2 multiply 6000 meter square. So 2 multiply 6000 meter square. Okay. So 2 6 are 12 and 3 0. This will be converted into rupees now. Why? Because we have multiplied with 2. So this will be now रुपीज 1200 मीन्स 12,000 रुपीज विल बी द कॉस्ट टू लेवल द पर्टिकुलर फील्ड. बहुत ही इजी है, सिंपली एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना है. कॉस्ट अगर ज्यादा है, 2 की जगह पे 4 है, देन विल मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है. लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट कुछ अलग भी रह सकता है. We need to calculate as per the length and breadth given. So, यहाँ पे जैसे 160 था, तो यहाँ पे 240 भी हो सकता है, 200 and 100 भी हो सकता है. So, whatever the length and breadth measurement given, you can find out simply the area of the particular field and then the cost of leveling. बहुत easy और बहुत interesting mathematics है, practical भी है, ठीक है. तो ये हम लोग का second step है, and finally this much will be the answer. So this is all about the fifth question. Yes, six का हम लोग ने इससे पहले भी discuss किया है. So if still we want to recapitulate the question 6, herein the parameter is given. So parameter is something different and area is something different. So parameter जो होता है that is the length of the sides. तो अगर ये एक square है एंड इसका एरिया, इसका जो पैरामीटर है दैट विल बी द लेंथ ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड. सो टोटल लेंथ ऑफ दिस साइड ऑफ द स्क्वायर दैट इज द पैरामीटर एंड व्हिच इज गिवन इन दिस फिगर.
So parameter of the square is given 44 centimeter. So here parameter is given 44 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये चारों साइड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर. सो हम लोग का अगर पैरामीटर दिया हुआ रहता है तो साइड निकालने का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर आपको याद है. फॉर्मूला वो है, नॉर्मली पैरामीटर निकालने का क्या फॉर्मूला है, फोर. अगर साइड दिया हुआ है, पैरामीटर निकालना है तो 4 × साइड, राइट. अगर ये साइड दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर में सारा साइड सेम होता है, ठीक है. तो पैरामीटर अगर निकालना रहता है, एक साइड दिया हुआ रहता है तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं. बट अगर पैरामीटर दिया हुआ है और साइड निकालना है तो 4 से डिवाइड करते हैं. जस्ट ऑपोजिट ऑफ दैट, क्योंकि चार साइड सेम है तो 4 से डिवाइड कर देना है, ठीक है. तो ये हो जाएगा 11, 11, 11. कैसे निकालना है हम लोग को पता है, 4 × साइड इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर मींस पैरामीटर. सो साइड विल बी इक्वल टू 44 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 4. सो 4 × 11 = 44, सो 11 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये भी 11 सेंटीमीटर का है, ये भी 11 सेंटीमीटर का है, ये भी 11 सेंटीमीटर का है, ये भी 11 सेंटीमीटर का है. तो ये एक स्क्वायर शेप है जिसका सारा साइड 11 सेंटीमीटर. आप नेमिंग दे सकते हो ए बी सी डी, व्हाटएवर यू वांट. एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया. तो एरिया निकालना मतलब ये इंटरनल रीजन का जो स्पेस है वो निकालना. तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग को पता है, स्क्वायर का साइड इंटू साइड होता है, साइड स्क्वायर होता है. तो साइड इंटू साइड मीन्स 11 × 11. तो यहाँ पे अभी हम लोग निकालेंगे एरिया. तो दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट टू फाइंड आउट द साइड. साइड निकालने के लिए जो पैरामीटर है उसको डिवाइड करते हैं 4 से, तो हम लोग का साइड निकल गया. Exactly. So 11 is the side. Now this is not the exact answer because here the question is asking you have to find the area. So now we will find the area in the second step. So now area will be equal to side square. Side square means side into side आप लिख सकते हो, side square लिख सकते हो. So side square means side into side means 11 centimeter into 11 सेंटीमीटर. सो 11 × 11 = 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6. ये छठा क्वेश्चन है हमारा. तो फर्स्ट स्टेप टू फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, सेकेंड स्टेप टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. साइड 44 के जगह, सॉरी पैरामीटर जो है 44 के जगह पे कुछ और भी रह सकता है, जितना भी रहे उसको हम लोग 4 से डिवाइड करके पहले साइड निकालेंगे. साइड निकालने के बाद हम लोग जो है उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट 6. लेट्स मूव टू द 7 क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इजी है. यहाँ पे हम लोग ने, आपको अगर याद है, बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड आउट द साइड व्हेन द एरिया, व्हेन द एरिया एंड वन ऑफ द साइड इज गिवन. तो अगर एक पैरामीटर है मान लेते हैं, सॉरी एक रेक्टेंगल है मान लेते हैं, और इसका लेंथ है और ब्रेथ है और ये एरिया है, ठीक है. तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. उसी तरह से लेंथ निकालने का फॉर्मूला जो होगा, ये ब्रेथ जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. या तो हम लोग सिंपली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो ब्रेथ अगर निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, और अगर लेंथ निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. तो एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ, और जब लेंथ निकालना है तो एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेथ. तो इसमें से सिंपल कंसेप्ट हम लोग का यही याद रखना है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया. तो अगर लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है तो ब्रेथ के टाइम पे लेंथ से डिवाइड कर देना है, लेंथ के टाइम में ब्रेथ से डिवाइड कर देना है. अब हमारा क्वेश्चन जो है वो एक रेक्टेंगल है और 96 दिया हुआ है एरिया. एरिया दिया हुआ है 96 मीटर स्क्वायर, और इसमें ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर. सो ब्रेथ दिया हुआ है 8 मीटर, तो आपको लेंथ निकालना है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये निकालेंगे एरिया बाय ब्रेथ. तो एरिया हम लोग का कितने दिए हुए हैं, 96. तो ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ विल बिकम 96
मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 मीटर। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे, एक तो मीटर स्क्वायर और एक मीटर कट जाएगा। सो हाउ मेनी टाइम्स 8 इज इक्वल टू 96? 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, सो 12 मीटर। सो 12 मीटर विल बी द ब्रेथ, 12 मीटर ब्रेथ हो जाएगा। उसी तरह से यहां पे ब्रेथ हो सकता है, लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ निकालना है, तो लेंथ से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एंड दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। अगर किसी को कुछ डाउट्स है 7वां क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड। जिसका भी आंसर 12 मीटर है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड विद दिस वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज 15.1। बट स्टिल इफ एनी क्वेश्चंस व्हिच यू नॉट अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, यू कैन आस्क, वी विल डिस्कस अगेन। क्विकली जस्ट राइट द क्वेश्चन नंबर। विद्या, नो डाउट्स, वेरी नाइस। एनीवन एल्स? आयुषी, नो डाउट्स, ओके ग्रेट। मनन, नो डाउट्स, वेरी नाइस। कनिष्का, एक्सरसाइज 5.1, विच क्वेश्चन? कनिष्का भारती, विच क्वेश्चन ऑफ 5.1? टेल मी द क्वेश्चन नंबर ऑल्सो। आर्यन, नो डाउट्स। हर्षित, नो डाउट्स। ईसा, नो डाउट्स, वेरी नाइस। कनिष्का भारती, क्विकली टेल मी द क्वेश्चन नंबर। अभिज्ञान, नो डाउट्स, ओके। फोर क्वेश्चन नंबर 4.5, 4 and 5। बेटा अभी हमने समझाया 4 and 5, चलो फिर से एक बार क्विकली समझाने का कोशिश करते हैं। 4 and 5, चलिए कनिष्का भारती को 4 and 5 सही से नहीं समझ में आया, तो उसको एक बार रिकैप करते हैं। फोर क्या है ना, आपका मान लीजिए घर जो है, आपका घर का एक रूम ले लीजिए, एक रूम का लेंथ और ब्रेथ मेजर कीजिए। मान लीजिए आपको जो लेंथ और ब्रेथ मिला, वो रूम का मिला, एरिया ऑफ द रूम, ओके। सो यहां पे क्योंकि हम लोग का दिया हुआ है सीट ऑफ पेपर, तो सीट ऑफ पेपर का दिया हुआ है, तो आप मान लो अपना रूम का ले लेते हैं, कि जो आपका रूम का है एरिया ऑफ रूम इज इक्वल टू सपोज 20 मीटर मल्टीप्लाई, यहां पे जो वैल्यू है वही मैं लेता हूं 15 सेंटीमीटर। ये मान लेते हैं लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। आपका जो घर का रूम है उसका जो लेंथ है 20 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 15 मीटर है, ठीक है। तो 20 by 15 का आपका रूम है। अब उस रूम में मान लेते हैं आपको डेस्क रखना है, ठीक है। जो डेस्क होता है, बेंच जो होता है, बेंच या डेस्क जो टेबल होता है वो रखना है मान लेते हैं, और टेबल का जो एक टेबल का लेंथ और ब्रेथ है, टेबल मतलब एक एक करके रखना है, ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर दूसरा रख दोगे, नॉर्मली रखना है सिंपली जो जैसे रूम में रहता है। तो एक टेबल का जो एरिया है वो दिया हुआ है मान लीजिए, ठीक है, एरिया ऑफ वन टेबल, ये सपोज दिए हुए हैं 5 into 3। क्वेश्चन नंबर 4 अंडरस्टूड? कनिष्का भारती, कनिष्का भारती, क्वेश्चन नंबर 4 डू यू अंडरस्टूड? और आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन क्विकली। सेम थिंग इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, 5 में क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है फील्ड का, एरिया निकालना है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। एरिया निकालने के बाद जो एक मीटर, एक स्क्वायर मीटर का जो प्राइस दिया हुआ है वो दिया हुआ है, और जितना एरिया निकलेगा वी विल मल्टीप्लाई विद दैट, दैट्स ऑल, ठीक है। सो दिस ऑल, दैट्स ऑल अबाउट 4 and 5, एंड विद दिस वी कैन से यू विल एबल टू डू द रेस्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव ऑल डिस्कस्ड। So I hope you can do now, but still if anyone find any doubts, you can ask anytime. Okay, thank you everyone. Bye bye, take care, and we'll meet in next class.